अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको किसी शादी पर जाना है या किसी पार्टी पर, बस एक बार ये वाला फेशियल कर ले, आपकी स्किन इतनी चमकदार, बेताक और गोरी हो जाएगी कि सब लोग हैरान रह जाएंगे आपको देख के। किसी भी शादी या पार्टी पर जाने से पहले हम लड़कियां स्पेशली पार्लर तो ज़रूर जाती हैं, या तो फेशियल करवाने के लिए या फिर ब्लीच करवाने के लिए। तो अब आप लोगों को पार्लर जाकर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं फेशियल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि इंस्टेंट आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन गोरी और बेदाग हो जाएगी। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों के घर के किचन में ही मौजूद हैं, यानी कि आप लोगों को कहीं भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपका बस एक ही काम है और वो ये है कि आपने इसे पहले ध्यान से देखना है, समझना है और फिर इसका इस्तेमाल भी करना है, और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स को ज़रूर शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आप सभी को वेलकम कहती हूँ आपके अपने चैनल पर, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बन जाएं। तो जी, जल्दी से हम अपनी इस रेमेडी की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपना फेस स्क्रब। उसके लिए हमें चाहिए एक नीट और क्लीन बॉल, और फिर हमें चाहिए कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉफ़ी का हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसमें रोगने बादाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, एक चम्मच हमने ऐड कर देना है इसमें कोकोनट ऑयल का, और फिर हमें चाहिए 1 टीस्पून शुगर। आपने क्या करना है, शुगर को थोड़ा सा क्रश कर लेना है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा दानेदार नहीं आपने रखना वो, क्योंकि हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो आपने इसको क्रश करके ही यूज़ करना है। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे हम इसका, और सबसे लास्ट में हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे 1/2 लेमन का जूस। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा जी, स्क्रब करने से पहले हम करेंगे अपने फेस की क्लिनजिंग। क्लिनजिंग किसे करेंगे, हम करेंगे वो योगर्ट के साथ, यानी कि दही के साथ। आपने क्या करना है, एक कॉटन बॉल लेना है, उसको डिप करना है हमने योगर्ट के अंदर, और फिर आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है अपने फेस को। क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी स्किन पर जितना भी डर्ट होगा ना वो बिल्कुल हट जाएगा और हमारे पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, क्लिनजिंग कर लेने के बाद अब हम स्क्रब करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने क्या करना है, अपनी स्किन पर इस स्क्रब की मदद से रब करना है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से, सर्कुलर मोशन में। स्क्रब करने से क्या होगा, हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन सेल्स की लेयर होगी ना वो एकदम हट जाएगी। अच्छा, 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ही इसे रिमूव करके दिखाऊंगी, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में लाइव रिजल्ट शेयर करती हूँ अपनी ब्यूटीफुल फैमिली के साथ। तो ये देखें कि पहली दफ़ा में ही आपकी स्किन इतनी चमकदार और फ्रेश हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आप देख के खुद भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैंने इसे वॉश कर लिया है और रिजल्ट आप सभी के सामने है। अब हम रेडी करते हैं अपना फेस पैक। अच्छा, अपना फेस पैक रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन का 1 टेबल स्पून। आपने एक बॉल में बेसन का 1 टेबल स्पून ऐड कर लेना है, और सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा, यानी के व्हीट फ्लोर, इसका भी हम 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे, और फिर हम इसमें दोबारा से 1/2 लेमन के जूस को स्क्वीज कर लेंगे, और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे योगर्ट यानी के दही के साथ। इसमें ऐड कर लेंगे दही के 2 से 3 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्रिप्शन से हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस फेस पैक को भी अप्लाई कर लेना है अपने फेस के ऊपर। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको वॉश कर लेना है। लें जी, मैं इसको वॉश कर लिया है और रिज़ल्ट आप सभी लोगों के सामने है।
आप देखेंगे पहली बार में ही आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप पार्लर जाना ही भूल जाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब। जल्दी मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने इस चैनल का भी, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।